सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट आई हैड डू इट। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ व्हेन आई वेंट टू सी माय फ्रेंड्स हु लिव इन वियना। और इसमें वी वेंट टू वियना, टू हालस्टाट, टू ब्रातिस्लावा। आई थिंक आई कैन नॉट फिट ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंस इन वन वीडियो, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इन टू थ्री पार्ट्स। हम यहाँ से हमने प्लान किया था कि हम लोग ट्रेन में जाएंगे रादर देन फ्लाइंग, बिकॉज राइट नाउ फ्लाइंग इज काइंड ऑफ यू हैव टू डू अ PCR टेस्ट, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स जस्ट बिफोर लीविंग, यू नो यू आर जस्ट बिफोर फ्लाइंग। लेकिन ट्रेन के साथ आई नो इट्स 9 आवर जर्नी, जो यूरोप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इट वॉज एक्चुअली लाइक वी यूज टू डू इट इन इंडिया। यू नो आप अपना खाना खुद लेके जाओ, अपना सामान पैक करो, फिर उसके बाद आप पूरे रास्ते बातें करते हो जाओ। ट्रेन में जब खाना आए, जब जब आपके लिए चाय आए, तो आप उसको बोलो कि हाँ यार हमें भी एक चाय चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ पे आपका जो पेंट्री कार वाले का जो डीवी यानी यहाँ की डॉचे वाहन, यहाँ की जो ट्रेन है उसके जो लोग होते हैं वो आपसे आके पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तो आप बता सकते हो कि यार चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जो भी उसमें अवेलेबल होता है वो आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक फ़नी चीज़ बताना चाहती हूँ जो इस ट्रेन के साथ हुआ, और अगर आप भी जा रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं ट्रेन पे जाने का, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। सो अगर आप ट्रेन लेते हैं फ्रॉम हैमबर्ग टू वियना, तो आपको उस ट्रेन में बीच में एक पसाव आता है, एक स्टेशन जो कि है तो है जर्मनी में, और उस स्टेशन पे आपकी ट्रेन अलग हो जाती है, दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, जो एक कहीं और चली जाती है और एक वियना की साइड जाती है। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू वियना, तो आपको ये वाली ट्रेन लेनी है, और हम स्टूपिड हैं जो दूसरी वाली ट्रेन में बैठे हुए थे। एंड सिंस वी आर लिविंग हियर फॉर सो मेनी ईयर्स, वी वर श्योर वी अंडरस्टैंड व्हाट दीज गाइज आर अनाउंसिंग इन द ट्रेन। तो वो ऑफकोर्स वो जर्मन में अनाउंस करते हैं, तो हम लोगों ने सुना, हमने कहा ऑफकोर्स ऑल द टाइम दे आर टेलिंग अस कि हम यहाँ पहुँच गए, वी आर अराइविंग इन कोर्स ऑफ मिनट इन ये वाला स्टेशन, इन वो वाला स्टेशन। तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ यही बोला होगा उसने, तो आपने सोचा कि उसने जस्ट ये बोला, और हम अपनी बातें करने में जो एज यूजल हम इतनी लंबी सारी बातें करते हैं, वो बातें करने में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। अचानक से एक बंदा, शायद ही न्यू कि हमें नहीं शायद आया है समझ में जो हम इतने अच्छे से बैठे हुए हैं, तो ही वाज लाइक डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट दीज गाइस आर सेइंग। तो हमने कहा हाँ ऑफ कोर्स हमें पता है क्या कह रहा है। तो हम दोनों आवाज देख रहे, अरे यार इनको लगता है हमें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओ माय गॉड वी शुड हैव हर्ड। तो हमने अचानक से जब उसने हमें एकदम से पूछा, उसके बाद वी स्टार्टेड नोटिसिंग कि एवरीवन इज गेटिंग अप, व्हाई। तो हमने पता किया कि एक्सक्यूज़ मी सॉरी, हमने शायद सही से नहीं सुना, ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं। तो देन ही टोल्ड अस कि अरे ये ट्रेन आधी आधी होने वाली है, यू हैव टू बी इन द अदर ट्रेन इफ यू वांट टू गो टू वियना। हमने कहा ओह माय गॉड थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। तो हम फटाफट भाग कर अपने दूसरे वाली ट्रेन को हमने लिया, एंड ऑफकोर्स जो हमने इतना अच्छा बुकिंग करके जिस ट्रेन की जिस सीट पे बैठे हुए थे, हमारी वो सीट हाथ से चली गई, और फिर हमें खड़े खड़े आना पड़ा। एंड यू नो फिर थोड़ी देर पहले मैं बैठी, मैंने कहीं सीट जुगाड़ी, फिर वो भी बेचारे ने उसने भी जुगाड़ी, सुमित ने भी जुगाड़ी, और फिर फाइनली जस्ट पहुंचने से एक घंटे पहले हम दोनों को साथ में सीट मिली। तो हम अपनी ही सिचुएशन पे हंस रहे थे कि अच्छा हुआ ये तो उस बंदे ने हमसे पूछ लिया, वरना हम तो पता नहीं अभी पसाओ के बाद कहाँ निकल जाते। एनीवे तो हम लोग वहाँ पे शाम को 5 बजे के अराउंड पहुँचे थे, और उनका घर ज़्यादा दूर तो है नहीं स्टेशन से, तो हम लोग ईजीली उनके घर पहुंच गए, और वहाँ हमने खाना खाया। वो दोस्त हमारे दोस्तों ने खाना बना के रखा हुआ था, उनका तो ऑफिस भी था बेचारे। तो फिर उसके बाद हमने बातें शातें करी, एंड ऑफ कोर्स आप डे वन जाओगे, आपका वैसे तो कहीं जाने का प्लान हो नहीं सकता इवन दो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो हम लोग इतना थके हुए तो नहीं थे, ऑफकोर्स एक्साइटेड भी, वेरी एक्साइटेड टू यू नो रोम अराउंड इन द सिटी। तो हमने प्लान किया कि डिनर के बाद नॉर्मल वॉक पे जाते हैं, जहाँ हम वॉक करते करते कहीं भी पहुँच गए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वियना हर सीज़न में तो अलग लगता ही है, बट डे और नाइट में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है सिटी।
और ये सिर्फ एक एक ब्यूटीफुल सिटी की बात नहीं है, आप किसी भी सिटी में चले जाओ जो डेवलप्ड है या जैसी भी है, उसमें अगर आप दिन में जाओगे वो जगह, तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वाइट बैकग्राउंड और इतना रश होता है, इतना सब कुछ होता है, तो आपको जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इतना अच्छे से दिख नहीं पाते हैं। बट इन द नाइट आप जानते हैं, जैसे आपके फ़ोन में डार्क और लाइट मोड होता है, तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। एवरीथिंग इज़ एनहेंस्ड इन द डार्क मोड। तो ऐसे ही जब आप रात में कहीं जाते हैं किसी सिटी में, और देखिए उसके जो भी मॉन्यूमेंट है उसके ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड, सामने आपका वो मॉन्यूमेंट है उसके ऊपर परफेक्टली जहाँ लाइट गिरनी चाहिए वहीं उन्होंने अपनी लाइट फिट की हुई है, तो जो चीज़ आपको बेस्ट दिखनी चाहिए वही दिखती है। और अच्छी बात यह है कि मोस्टली यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो बरोक स्टाइल में है, जो यहाँ की मॉन्यूमेंट जितने भी बने हुए हैं बरोक स्टाइल में, तो आपको ये भी अच्छा लगेगा कि वो परफेक्ट, जो वो ग्रीन ऊपर से जो ग्रीन टॉप होता है और लाइट पड़ रही है बहुत अच्छा। और ट्रस्ट मी, ये मुझे नहीं पता था, ये जो मेरी फ्रेंड है जो वहाँ पे रहते हैं उनका कपल में उनकी वाइफ, वो इतना अच्छा उसको हिस्ट्री के बारे में पता है कि यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, यू जस्ट टू आस्क कर। तो वो आप उससे पूछते हो कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है। तो व्हेन वी वर वॉकिंग अलोंग वियना, अपने उसके रास्तों पे जा रहे थे, तो हमारे दोस्त ने बताया कि वी वर राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, और सडनली शी वॉज लाइक कैन यू वेट जस्ट फॉर अ सेकेंड। और फिर उसने कुछ कुछ गूगल किया, फिर हमें बताया कि तुम्हें पता है ये जो घर है ये किसका है। हमने कहा किसका है, किसी बड़े आदमी का। तो शी वॉज लाइक नो, दिस हाउस बिलोंग्स टू अ नोबल वुमेन, जो जो कि यहाँ की सबसे बड़ी, एक्चुअली उसे सबसे बड़ा प्रोलिफिक सीरियल किलर कहा जाता है अब तक का, लड़कियों में वुमेन में, जो कि 1800 और सो पता नहीं कब की बात है कि वो एक अपनी हंगेरियन वुमेन थी, नोबल वुमेन ऑफ कोर्स, तभी वो शी गॉट अवे विद ऑल ऑफ दिस। तो वो अपने इस घर में रहती थी जहाँ पर उसने अराउंड 600 फीमेल सर्वेंट्स, जो यंग वुमेन होती हैं, जो बेचारी जिनको घर पे कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कुछ आता पता नहीं है, उनको उसने मारा था। और उनके ब्लड में उसने ब्लड बाथ विच वी कॉल, तो वो उनके ब्लड में नहाती थी जस्ट टू स्टे यंग फॉरएवर। तो वो जो आपने सुना होगा ना कि यार ओ हो क्राउन काउंटेस ड्रैकुला, वो उनका वन ऑफ दोस्त थी। और वो ऑफकोर्स वो हंगेरियन, और अगर मैंने उसकी ऑफकोर्स करा के मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो कहाँ से है, तो मुझे वो फीलिंग आई कि अच्छा वो जो ट्रांसिल्वेनिया की स्टोरीज हमने नहीं सुनी थी, आई थिंक वो उससे ही इंस्पायर्ड भी हो सकती हैं। लेकिन दैट गॉट मी यू नो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट वियना, और जिस वियना को हम इतना लवली, प्यारा और मोस्ट लवेबल, और हम जो सोचते हैं ना कि यार वहाँ जाके बस प्यार निकल आता है आदमी का, फिर मुझे पता चला कि ओके, नो डाउट कि सिगमंड फ्रॉयड ने अपना काम वहीं से शुरू किया था साइको एनालिसिस का। आई होप यू नो हिम, क्योंकि अगर आपको कोई भी स्केरी स्टोरी और इन सब के बारे में पता हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा नाम है जिसने बहुत सारी थ्योरीज निकाली है साइको एनालिसिस के बारे में। इज़ अ फादर ऑफ साइको एनालिसिस, और उनकी वजह से, सिगमंड फ्रॉयड की वजह से एक्चुअली वियना इज़ फेमस फॉर, नॉट फेमस फॉर, इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ साइको एनालिसिस, यू कैन इवन से दैट। तो नो डाउट उनके दिमाग में इतना सारा आया, और फिर मुझे लगा कि यार सिर्फ एक सीरियल किलर है शायद वहाँ पे, मे बी ना हो आगे, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि वहाँ मोर देन वन सीरियल किलर वुमेन रह चुकी हैं। मर्द हो भी सकते हैं लेकिन वुमेन सीरियसली वहाँ, और वो भी कोई बहुत पुराने 1800 1900s में नहीं, अभी रिसेंटली इन 2008 देर इज़ अ वेरी फेमस सीरियल किलर जिसे आइसक्रीम किलर कहा जाता है, जिसने अपने पति का, अपने बॉयफ्रेंड का ना केवल मर्डर किया बट शी चॉक देम डाउन और प्लेस देम इन द फ्रीजर। वो अपने आइसक्रीम पार्लर के जो बेसमेंट में उसने उनको रखा था, और नो बडी न्यू अबाउट दैट काइंड ऑफ यू नो ऑल दीज मर्डर्स एंड एवरीथिंग। तो जब पुलिस तो नहीं, लेकिन जब वो एक कुछ कंस्ट्रक्शन, जब ऐसा होता ना कि शी फ्लू इन 2008 टू इटली, ऑफकोर्स मर्डर करने के बाद वो भाग गई, और उसके बाद में उसने बॉडीज को शायद डिस्पोज भी नहीं किया। ऑफ कोर्स आप भाग रहे हो, आप डिस्पोज क्यों करोगे। तो जब वहाँ पे इतने टाइम रहने के बाद में, जब जब आप होता ना कि आपकी गवर्नमेंट आपको शायद क्लीनिंग करनी थी कि उस घर को बेचना था या जो भी सिस्टम था, इन 2011 जब वो कंस्ट्रक्शन वर्कर घर आए और वो जब उसको जांच पड़ताल कर रहे थे, तब उन्होंने वो बॉडीज फाउंड करी, और उसके बाद ऑफ कोर्स दे वर लुकिंग फॉर हर देन। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार चलो एक होगा, फिर इसके हिसाब से तो उसमें आप और भी एक और एग्जांपल है इसका, जैसे कि आपने एंजल ऑफ डेथ का नाम सुना है,
आई थिंक ये उसी से इंस्पायर्ड है। तो एक चार वुमेन का ग्रुप था जिसमें से एक चार जैसे लेंस वुमेन ऑफ डेथ, एंजल वुमेन ऑफ डेथ कहता है उसका, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये चार वुमेन थी जो हॉस्पिटल में नर्सेस थी। और ये जो भी वो बूढ़े लोग होते थे जिनका तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी, तो ये उनको मॉर्फिन का ओवरडोज दे के मार देती थी। ओ माय गॉड, फिर मैंने रिसर्च करी कि और किस क्या क्या करते थे वो लोग। तो वो क्या करते थे कि वो एक जना नाक पकड़ता था और दूसरा जना उनके मुंह में पानी डालता जाता था, जो उनके लंग्स में पानी भर जाता था। और अपेरेंटली अगर बहुत बूढ़े हैं तो ये काफ़ी कॉमन उस समय ऐसा माना जाता था कि हाँ फ्लूइड लंग्स में भर जाता है, जिस वजह से ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा मेथड ढूंढ के निकाला था लोगों को मारने के लिए। और अराउंड 49 लोगों को तो वो कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने मारा है, लेकिन दे आर सस्पेक्टिंग कि उन्होंने कम से कम 200 लोगों का कत्ल किया है ऐसे। और वो वैसे भी नहीं पकड़े जाते, कभी नहीं पकड़े जाते, पर अपेरेंटली किसी डॉक्टर ने उन चारों नर्सेस को बात करते हुए सुन लिया। स्कैरी इनफ। आई थिंक ये मैंने प्लान इसीलिए किया था हेलोवीन पर पोस्ट करने का, लेकिन अपेरेंटली आई एम नॉट कीपिंग अप माई टाइम स्केड्यूल, तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी इट्स स्कैरी इनफ राइट। तो पूरा हेलोवीन वाली थी ना, सो इंस्पायर्ड बाय हेलोवीन। और ये सारी स्टोरीज पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा कि यार आई एम लुकिंग एट ये ना इन अ न्यू लाइट। वो टोटली जो मैंने हमेशा सोचा करती थी कि वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो लवेबल, और यहाँ तो बस रोमांस होगा। और आपने तो वियना के बारे में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सुनी होंगी, जब से मैंने ये पढ़ा है मैंने कहा वाओ एनीथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल माइट हैव सम ट्रबलसम पास्ट। और इसके बाद तो मैं एकदम और भी ज़्यादा फैसिनेटेड हो गई। ऑफ कोर्स वो दिन बहुत ही छोटा था और मैं ज़्यादा मतलब इसके बारे में अभी ज़्यादा यहाँ नहीं इस वीडियो में नहीं बता सकती, बट स्टे ट्यून फॉर मोर। और आई थिंक आपको और भी बहुत सारी स्टोरीज जानने को मिलेगी। बाय गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।